क्या है 786 के पीछे का महत्व। 786 को हर एक सच्चा मुसलमान ऊपर वाले का वरदान मानता है, इसलिए धर्म को मानने वाले लोग हर कार्य में 786 अंक के शामिल होने को शुभ मानते हैं। कहते हैं कि अगर आप अरबी या उर्दू में लिखें तो बिस्मिल्लाह अलमन रहम अली रहम को लिखेंगे तो उसका योग 786 आता है और इसलिए ये काफी पाक नंबर है। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी का भी इसके साथ एक संबंध माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी वाला कहा जाता है क्योंकि वो बांसुरी बजाते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण 7 छिद्रों से 7 स्वरों के साथ हाथों की 3-3 उंगलियों से यानी 6 उंगलियों से बांसुरी बजाकर लोगों को अपना मुरीद बनाते थे और भगवान देवकी और वसुदेव की 8वीं संतान भी थे। इसलिए हुआ ना ये 786 नंबर। ओम और 786 का एक ही रूप है। अगर आप 786 की आकृति पर गौर करेंगे तो ये बिल्कुल संस्कृत में लिखा हुआ ओम दिखाई देगा, जिसको परखने के लिए आप 786 को हिंदी की गिनती लिखिए, उत्तर खुद ब खुद मिल जाएगा। दोनों ही शांति देते हैं। ओम शब्द का वैज्ञानिक कारण भी है। कहते हैं इसे लंबी सांस खींचकर सुबह सुबह बोलने से इंसान के अंदर स्वच्छ हवा का संचार होता है और वह स्वस्थ रहता है। तो वहीं 786 खड़े होकर बोलिए तो समान चीजें आपके अंदर होती हैं। तो हुई ना दोनों में खास समानता। ओम अगर हिंदुओं का पवित्र मानक है तो 786 मुसलमानों का। दोनों ही धर्म के लोग इन चीजों से समझौता नहीं करते। ओम और 786 दोनों का मतलब एक ही है। ओम का मतलब शून्य होता है तो मुसलमानों के यहाँ मूर्ति की पूजा नहीं होती है, लेकिन वे 786 के पैगंबर साहब के मानक के रूप में प्रयोग करते हैं। मतलब दोनों ही चीजें एक ही हैं, बस उसे मानने वाले ही अलग अलग हो गए हैं। साथ ही वो 786 बोलकर बिस्मिल्लाह अल रहमान अल रहीम को याद करते हैं।